नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। माय नेम इज किशन सोनी और आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ड ड्राइव के ऊपर। हार्ड ड्राइव अच्छा है या खराब है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरा समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहला बात, आप हार्ड ड्राइव जैसे ही पीसी को कनेक्ट करते हो, पीसी में लगाने के बाद आपको बायोस में चेक करना है। अगर बायोस में डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको पावर केबल और उसका साटा केबल चेंज कर देना है दोस्तों। उसके बाद भी अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको हार्ड ड्राइव के पीसीबी को खोलकर उसके जो पिंस होते हैं, जहाँ पर हार्ड ड्राइव को अटैच होते हैं, वो सारे क्लीन करना है अच्छे से। और क्लीन करने के बाद उसको फिर से लगाकर देखना है। अगर वो उसके बाद भी चालू नहीं होते हैं तो ये फिजिकल लेवल का इश्यू है। इसका पीसीबी चेंज करके आप देख सकते हैं। इधर अगर वो चालू हो जाता है तो चालू होने के बाद आपका आपके सिस्टम में वो पार्टीशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो शो नहीं कर रहा है तो HDD रीजनरेटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप वहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। आइदर उसका बायोस भी खराब हो सकता है तो बायोस आप चेंज करके पहले देख लीजिए, पहले आप रिट्रीव कर लीजिए, फिर बाद में बायोस लगा के देखिए। क्योंकि रिट्रीव करना ईजी हो जाएगा, बायोस लगाने के लिए आपको फिजिकल पार्ट ढूंढना पड़ेगा। तो रिट्री करने के बाद अगर रिट्री हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बायोस की चिप लगा के एक बार देख सकते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव वर्किंग है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगर वो चालू हो जाता है तो पार्टीशन शो कर रहा है कि नहीं। पार्टीशन कभी कभी डायनामिक मोड में चले जाता है या अनअलोकेटेड चले जाता है, आपको पार्टीशन शो नहीं करता है। तो आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है, विंडोज 10 में कंप्यूटर या माई पीसी होता है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट नीचे से सेकंड ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर देखना है कि आपका पार्टीशन कौन सा टाइप का हो गया। कभी कभी वो रॉ में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो रॉ में कन्वर्ट हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उसको रिकवर कर सकते हैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर उससे भी आपका रिकवर नहीं हो रहा है, वो पार्टीशन राइट नहीं बता रहा है, तो आपको पार्टीशन फॉर्मेट बिल्कुल नहीं करना है, पार्टीशन को डिलीट कर दीजिए। फॉर्मेट नहीं करना है, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप उसको रिकवर करिए। डिलीट करने का मतलब होता है कि पार्टीशन सिर्फ टूटा है, उसको हम डेटा फॉर्मेट करेंगे तो डेटा साफ हो जाएगा। डेटा साफ नहीं करना है, हमें सिर्फ पार्टीशन तोड़ना है, मतलब एक दो गांठ को तोड़ना है। मेरा ये हाथ है और मेरा डेटा पूरा इसमें छपा हुआ है, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो पूरा डेटा साफ हो जाएगा। अगर ये एक पार्टीशन बना है, अगर ये मेरा जॉइंट है, मैं इसको सिर्फ तोड़ देता हूं, इसको फॉर्मेट नहीं करना है, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद डेटा सेफ होता है, सिर्फ आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर कर लेना है और बहुत इजीली हो जाता है दोस्तों। फॉर्मेट जितनी बार करोगे डेटा निकलने के चांसेस कम होते। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी टाइम एरर आता है कि बैड सेक्टर या डेटा नॉट रिकवर या साइक्लिक सिलेंडर रेडियंसी एरर करके एक आता है ऑप्शन, तो उसमें आपका हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो HDD सेंटिनल करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो रन करके आप देख सकते हैं कि आपके डिस्क में बैड सेक्टर है या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों हार्ड ड्राइव को समझने के लिए, इसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप रिकवर किया जाए और समझा जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।